राधे राधे दोस्तों, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब लोग? आशा सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सभी लोग अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। और यहाँ मैं आ चुकी, नहा के पूजा वगैरह हो चुकी है, तो बस कपड़े फैलाने थे, तो वही कपड़े फैला रही हूँ। और धूप, सच में अब फिर वही हाल हो गया कि इतनी उमस भरी गर्मी, धूप तेज़ की हालत ख़राब है सच में। वो तो केवल लू वाली गर्मी थी, अब जो गर्मी है वो सच में हालत ख़राब किए हुए। ऊपर आने की इच्छा भी नहीं होती, लगता है नीचे कपड़े डाल दो, क्योंकि डाल के जाओ इतनी धूप में और थोड़ी देर में पानी आ जाता है, तो जितने सूख पाते हैं उतने ही गीले हो जाते हैं। तो बस यहाँ मैं डाल रही हूँ कपड़े। और फ्रेंड्स, अब हो रहा है शाम का टाइम। मैं स्कूल से आ चुकी थी, तो फिर मैंने कपड़े वगैरह कुछ चेंज नहीं किए, मैंने यही साड़ी पहन के जा रही हूँ मार्केट। जो थोड़ा बहुत सामान रह गया है वो आज शॉपिंग कर लेते हैं, क्योंकि 2-3 दिन पानी बरसता रहा तो जा नहीं पाई। तो बस अब निकलने वाली हूँ। ये बार बार आवाज़ दे रहे हैं, बाहर से गाड़ी का हॉर्न आ रहा है, यहाँ मैं रेडी हो रही हूँ, मैंने बस निकल रही हूँ, जबकि मैंने चाय भर पी है और कुछ भी नहीं किया। ऊपर का जा रही हूँ, गेट लगा दूँ और बस निकल रही हूँ, क्योंकि बच्चों को ध्यान रहता नहीं है। ऊपर से पानी बरसता है तो पूरा सीढ़ियों से नीचे आ जाता है, तो जा रही हूँ गेट ऊपर लगा दूँ, इसके बाद जाती हूँ। तो यहाँ मैं मार्केट से लौट रही थी, तो कुछ खरीदी सब्जियाँ और फिर मैंने कहा कुछ फल खरीदे। तो गोलू बोला था मम्मी आम लेके जरूर लेके आना, तो यहाँ मैं ले रही हूँ आम। तो आज आम लेके जा रहा, और फ्रेंड्स अब हो रहा है रात का टाइम। तो यहाँ मैं बनाने वाली सब्जी आलू और बड़ी की, जो मैंने बड़ी लगाई हुई थी दाल की, मूंग की दाल की, चने की दाल की, उसकी बना रही हूँ। और लाइट पूरी ऑफ है पूरे घर की, केवल यहाँ की लाइट जला रखी है किचन की, क्योंकि कीड़े सच में बहुत आ रहे हैं। हमारे यहाँ तो आते हैं, सबके यहाँ आ रहे हैं, क्योंकि कीड़े, अगर लाइट बाहर की जलती है तो ज़रूर आते हैं, अगर लाइट बाहर की पूरी ऑफ है तो अंदर कीड़े नहीं आते। तो यहाँ मैंने निकाल ली है दाल वाली बड़ी, तो बस मैं बनाने वाली हूँ सब्जी। और ये सब्जी प्याज के साथ बनाइए ना, आलू डाल के बहुत ही टेस्टी बनती। प्याज फ्राई हो गई है, तब ये मैंने डाल दी है बड़ी। कहीं से अदौरी बोलते हैं, कहीं बड़ी बोलते हैं, सब जगह अपनी अपनी अलग भाषा है। तो यहाँ फ्राई अच्छे से हो गई है, तो जो मसालों का घोल बना के रखा हुआ है मैंने, वो मसालों का घोल डाल दिया, छड़ा हुआ मत डाल, और फिर मैंने देख लो नहीं, मैं डाल देती हूं इनमें, डालूंगी और बस थोड़ी देर में पक जाएगी। तो यहाँ डाल दिया है मैंने मसाले के साथ में टमाटर, तो टमाटर के साथ में और ही अच्छे से फ्राई हो जाए। फिर इसके बाद मैं डालती हूँ आलू और पानी डाल के, नमक डाल के बस ढक दूँगी। और यहाँ चली गई थी लाइट और इन्वर्टर का पता नहीं तार कहाँ से निकल गया था, तो फिर एकदम से पूरे घर की चली गई। तो बस यहाँ बन रही है हमारी सब्जी। कान में घुस गए बच्चों, और फ्रेंड इसके ना कान में ना पता नहीं कैसे लेटा हुआ था, कीड़ा चला गया। अब बोल ज्यादा परेशानी हुई, पूरा घर परेशान। अपने से मत करा, नहीं होगी तो अस्पताल ले चलेंगे, अपने से मत कर, रो मत, ले चल। इसकी निकालने की बहुत कोशिश की लेकिन निकल नहीं रहा, दर्द पानी से, मतलब रोते रोते ना इसकी हालत खराब हो गई है। और सच में दर्द तो होता ही है, पहले तो बहुत कोशिश की निकाल, रो मत, निकल जाएगी, निकल जाएगी, नहीं निकलेगी ना तो डॉक्टर के पास ले चलो। ज्यादा दर्द हो रहा है, दर्द तो होगा, सही होगा दर्द, चले फिर चुप है, ऐसे रो मत, रो नहीं, रो नहीं, रो नहीं, चुप। और यहाँ मैं किसी तरीके से बहला फुसला के चुप करा रही थी, मतलब बहुत ही रोए जा रहा था। दर्द तो होगा, खैर कोई भी चीज़ जब अंदर जाती है तो दर्द तो होता ही है, तो काफ़ी रो रहा था, लग रहा हम लोग की रात नहीं कट पाई। मैं सोची सुबह ले जाऊँगी, लेकिन मुझे लग रहा है अभी लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि इसका दर्द ना बढ़ता ही जा रहा है। और सब लोग ना लगे रहिए, देख लीजिए कोई टॉर्च दिखा रहा है, कोई पकड़े हुए किसी तरीके से उसे बहला फुसला के निकाल रहे हैं, लेकिन ना वो निकल नहीं रहा, उसी में पता नहीं मर गया क्या हो गया, वो निकल नहीं रहा। बहुत कोशिश की, पहले पानी डाला और हाइड्रो थी वो डाला, लेकिन वो नहीं निकल रहा। फिर अंतिम लास्ट में ले जाकर हॉस्पिटल ही लेके जाना पड़ा, तो डॉक्टर साहब बोल रहे थे कि मैं इसे वहाँ लेके जा रहा हूँ अंदर रूम में, कोई भी अंदर नहीं आएगा,
तभी मैं निकालूंगा, क्योंकि बोलते हैं ना कि अगर डॉक्टर पेरेंट्स के सामने करते हैं तो वो कर भी नहीं पाते, और बच्चे भी थोड़ी नर्वस हो जाते हैं कि माँ बाप अगर उनके सामने हो तो बस उसे अंदर ले गए हम लोग हॉस्पिटल लेके भागे, और इसकी हालत मतलब इतनी वो होती जाएगी ना, मैंने निकल नहीं रहा था, डॉक्टर साहब अंदर जैसे ही ले गए हम लोगों को भी ले गए अंदर, बोले थे आप लोग बाहर रहो तो ही निकालने देगा वरना ही निकालने नहीं देगा, तो वो रात में ही ले गए अंदर ले गए, वोटी में चले जाते मना कर गए कोई अंदर मत आना सुन रहे चले जा अब देखा बिल्कुल अब तो नहीं दर्द हो रहा सही है बिल्कुल कपड़े भी नहीं चेंज किए मैं जैसे कपड़े में थी वैसे ही चली आई, इसका रोना देख के ना मुझे भी सहन नहीं हो रहा था, ऐसी कैसे चली आई तुरंत जैसे कपड़े में थी वैसे ही निकल के आ गई, देख के आ रही हूँ। और अब आ चुके हैं घर में, किसी तरीके से इसे चुप कराया है, काफ़ी रो रहा था, बहुत मुश्किल से चुप हुआ है, बोलते ना पता नहीं कब कीड़े वाली ही दिक्कत आ गई, टाइम तो यहाँ आम जो रखे हुए थे इनका पानी अच्छे से निकल गया, तो यहाँ धूप निकली हुई थी तो मैंने डाल दिया है सूखने के लिए कि थोड़ा सा इनका जितना भी पानी और भी सूख जाए इसमें, क्योंकि धूप दिखाना बहुत जरूरी, अगर इस तरीके से अचार डाल दे तो अचार बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता, अगर तुरंत ही डाल देते ना तो अचार में स्मेल आने लगती है क्योंकि बरसात का टाइम है, तो इनकी जितनी भी नमी हो सारी सूख जाए, तो उनको डालने के बाद आम के बाद मैं यहाँ मैंने फैला दिए हैं कपड़े सारे। और आज मैंने ली हुई थी लीव और लेके जा रही हूँ गोलू को फिर दिखाने के लिए, क्योंकि इसके अंदर ना बोल रहा था कि दर्द भी हो रहा काफ़ी, अभी भी दर्द हो रहा, निकल गया है लेकिन फिर भी दर्द हो रहा, तो हम लोग जा रहे हैं, और जब लौट के आए तब तक अभिषेक ने बना के रखी हुई थी चाय, तो वो चाय लेके आया, और ऊपर से आम उठा लाए थे क्योंकि पानी से आ गया था इसलिए तुरंत उठा के लेके आ गए, और अब अंदर फ़ैन में जाके डाल देती हूँ क्योंकि अभी अच्छे से सूखे नहीं है, अभी 2-3 दिन इसी तरीके से करना पड़ेगा अंदर बाहर तब जाके इनका अच्छे से पानी सूख पाएगा, तो बस यहाँ मैंने फ़ैन के नीचे बिछा दिया, यहाँ टेबल में कपड़ा उसी में डाल देती हूँ कि थोड़ी बहुत और भी जो पानी हो इस तरीके से सूख जाएगा, अच्छी धूप होती ना तो इनको पंखे में डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, लेकिन धूप अच्छी थी नहीं तो इन्हें ऐसा ही करना पड़ेगा, सुबह धूप में शाम को फ़ैन के नीचे, इस तरीके का अचार सालों साल तक रहता है, ख़राब नहीं होता, ये सारी चीज़ मुझे मम्मी जी ने बताई थी क्योंकि वो ऐसे ही डालती हैं, चाहे कितना भी टाइम लग जाए लेकिन अचार ऐसे ही डालती। गंदी कायते रही है। और यहाँ गोलू लेटा हुआ है ऐसे दिखा के लेके आए थे, फिर भी अभी इसे अच्छे से आराम नहीं है, दर्द हो रहा था उसकी वजह से फीवर सा भी हो गया था, तो बोलते हैं ना कि कब कौन सी परेशानी आ जाए कुछ पता नहीं रहता, अब हो रहा है रात का टाइम तो यहाँ बना रही हूँ खाना, खाने में केवल सिंपल दाल ही बनने वाली है क्योंकि इतना थक गए हम लोग भी आज इसके साथ जब गए थे, और फिर घर का भी काफ़ी काम हो गया, तो बस ये बोल रहे थे दाल भर आ, दाल चावल भर, रोटी भी मत बनाना, और हम लोगों की तैयारी बिल्कुल कल की थी पूरी निकलने की, लेकिन अब इसकी हालत ऐसी हो गई ना, तो ये बोल रहे थे पहले इसे देखो ये हो गया है तो बाद में भी होता रहेगा, अब ऐसे में इसको छोड़ के ना तो जा सकते हैं ना इसको ऐसे दर्द में लेके जा सकते हैं, क्योंकि उसकी वजह से ना दर्द की वजह से फीवर भी हो गया, और एकदम चेहरे में ना एकदम स्वेलिंग जैसी आ गई थी, क्योंकि घर में भी काफ़ी लोग कोशिश करते रहे, पता नहीं उससे कान में इसके कहीं लग गया या क्या बात हो गई, पता नहीं उसकी वजह से इसका दर्द ना बढ़ता ही जा रहा था, अब उन्होंने डॉक्टर साहब ने निकाल दिया सब कुछ फिर भी इसका पेन नहीं रुक रहा था, तो उसके लिए दवा भी दी सब कुछ, लेकिन एक समस्या ख़त्म हुई, दर्द बंद हुआ तो फीवर आ गया, और हुआ उसी दिन से जिस दिन से इसके कान में ये दिक्कत हुई उसी दिन से इसे दूसरे दिन से फीवर वाली दिक्कत हो गई, क्योंकि बोलते ना एक समस्या ख़त्म नहीं होती तब तक दूसरी समस्या पहले आ जाती है, और यहाँ थोड़ा काम मैंने इसे बताया हुआ इसे ठीक लगा तब उठ के बैठा हुआ है, क्योंकि स्कूल अब जा नहीं रहा, स्कूल मैंने मना कर दिया था मत जाओ ऐसे में, तो घर पर ही थोड़ा बहुत बता देते हैं वरना इसका और भी पिछड़ जाएगा काम से, तो बस फ्रेंड्स यहीं पे करूँगी ब्लॉग की एंडिंग, और आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, न्यू है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ब्लॉग मेरी मिस ना हो, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक।